करेंगे हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर। ये थोड़ा सा सबसे पेचीदा कह सकते हैं और थोड़ा सा सबसे कॉम्प्लेक्स जो स्टेप है वो यही है। जो बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है तो उसको देखो मैं बड़ी आसानी से दो मेथड से करूँगा, एक तो जो प्रॉपर मेथड है उससे, एक मैं शॉर्टकट मेथड से भी करूँगा। तो मैं दोनों से क्लियरली कर देता हूँ आपको कि इसको एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरा ये ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन को एक बार मैं अच्छे से रीराइट कर लेता हूँ। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल है एंगल ऑफ डिपार्चर इज कैलकुलेटेड। तो जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें क्या एक कॉम्प्लेक्स पोल है जिसके कारण हमें क्या निकालना पड़ रहा है, एंगल ऑफ डिपार्चर। अगर यह कॉम्प्लेक्स जीरो होती तो मुझे एंगल ऑफ अपर वो अराइवल निकालना पड़ता, और अगर ये सिंपल होती तो मुझे इनकी नीड नहीं पड़ती। तो मेरे इस वाले देखो ट्रांसफर फंक्शन में एक कॉम्प्लेक्स क्या है, पोल है, जिसके कारण मुझे एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करता हूँ। तो एक बार मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, जी एस एच एस इज इक्वल टू के एस प्लस वन अपॉन एस एस प्लस फोर। रीराइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने पोल्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको पोल्स की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस प्लस वन माइनस जे, एस प्लस वन प्लस जे। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों पोल्स हो गए। तो मैंने उन पोल्स को इसमें लिख दिया है। अब देखो जब मुझे क्या करना होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना होता है, तो मैं किसी भी एक कॉम्प्लेक्स पोल पर कैलकुलेट करूँगा। तो जिस कॉम्प्लेक्स पोल पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिस पे भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए चेक करता हूँ। सबसे पहले बात, मैं एंगल ऑफ डिपार्चर होता क्या है, तो एंगल ऑफ फाई डी होता है 180 डिग्री माइनस समीशन ऑफ फाई, और जो फाई है मेरा, फाई क्या है, समीशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स माइनस समीशन ऑफ एंगल ऑफ जीरोज। तो देखो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे डिसाइड कर लेना पहली बात किसके ऊपर मैं एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं अगर इस पॉइंट पर, इस वाले पोल पर अगर एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है उस वाले को पोल को मैं इसमें नहीं लिखूंगा। उसके अलावा ये वाली वैल्यू, जो एस की वैल्यू क्या है इसमें, एस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जे, ये सब वैल्यू सिर्फ इस पोल के अलावा सारे पोल्स में वैल्यू, सारे पोल्स और जीरो में वैल्यू डाल दूंगा। तो मैं देखो सारे पोल्स और जीरो में वैल्यू डाल देता हूँ। तो अब मेरी देखो क्या हो जाएगा, जी एस एच एस का जब मुझे एंगल कैलकुलेट करना है कि एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन प्लस जे प्लस वन अपॉन एस में, एस में क्या आएगा, माइनस वन प्लस जे, माइनस वन प्लस जे प्लस फोर। और इसमें वैल्यू कैलकुलेट, इसकी तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, किस में पुट करेंगे, इसके अंदर करेंगे। तो ये हो जाएगा एस की वैल्यू पे माइनस वन प्लस जे प्लस वन प्लस जे। देखो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखो इनको मैं वैल्यूज को माइनस वन से माइनस वन कर दिया, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, के और जे, नीचे क्या है, माइनस वन प्लस जे, इधर बच गया मेरा थ्री प्लस जे, और इधर बच गया मेरा माइनस वन से वन कट गया तो टू जे। अब देखो ये जब मेरे आ गए, इसके बाद मैं मेरे एंगल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरे पोल्स हैं, तो देखो पोल्स का मैं समीशन ऑफ पोल्स को क्या कर सकता हूँ, मैं समीशन ऑफ पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री माइनस समीशन ऑफ जीरो, कितना है मेरा, एक ही है, 0 है। तो देखो ये पोल्स हैं, तो मेरे तीनों पोल्स हैं, इन तीनों पोल्स का मैं किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ। देखो पहले पोल का मैं अगर एंगल कैलकुलेट करता हूँ इस वाले का, तो जो एंगल होता है मेरा, तो वो क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। तो देखो इमेजनरी, इसमें इमेजनरी कितना है, वन, और रियल भी कितना है, वन। तो ये हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स एंगल ऑफ पी वन, जिसको मैं बोल देता हूँ फाइव पी वन, फाइव पी वन। तो फाइव पी वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस वन, जो हो गया मेरा टेन इनवर्स माइनस वन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री पाई बाई फोर और 135 डिग्री। उसके बाद मैं निकालता हूँ फाइव पी टू, तो फाइव पी टू क्या है मेरा, थ्री प्लस जे, तो इमेजनरी कितना है इसमें, वन, और रियल कितना है, थ्री। तो ये हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स वन बाई थ्री, जिसकी वैल्यू होती है करीब 18.53, जिसकी वैल्यू होती है करीब मेरी 18.43, सॉरी 18.43 डिग्री। उसके बाद समीशन ऑफ फाई थ्री, तो पोल थ्री का क्या है, टू जे, तो इसमें सिर्फ मेरा क्या है,
टेन इनवर्स इमेजनरी है, रियल वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये मेरा एक तरह से हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरे देखो समीशन ऑफ पोल्स आ गया। सेम ऐसे ही मेरी फाई जेड वन कर देता हूँ, फाई जेड वन की वैल्यू क्या है मेरी, जे। तो अगेन मेरी वो हो जाएगी क्या, टेन इनवर्स जे, तो जो वैल्यू हो जाएगी मेरी अपॉन जीरो, तो वो हो जाएगी टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो फाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ पोल्स, समीशन ऑफ पोल्स कितना हो गया 90 डिग्री प्लस 18.43 प्लस 135 माइनस 90 डिग्री। तो देखो ये तो मेरा समीशन ऑफ पोल्स हो गया, समीशन ऑफ जीरो ये कितना है 90 डिग्री, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू आ गया 90 प्लस 18.43 प्लस 135 डिग्री माइनस 90, इससे ये कट गया, बचा कितना ये, तो ये करीब आ जाएगा मेरा 153.43। अब इसको क्या है फाई डी, तो फाई डी की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री माइनस समीशन ऑफ फाई, तो ये आ गया मेरा समीशन ऑफ फाई टोटल, जिसमें से मैंने एंगल ऑफ पोल्स माइनस एंगल ऑफ जीरो कर दिया, तो ये फाई आ गया, तो फाई डी की वैल्यू हो गई मेरी फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 153.43 इज इक्वल टू, ये कुछ वैल्यू आएगी मेरी 26.57 डिग्री। तो यहाँ देखो मैंने क्या निकाल लिया, एंगल ऑफ डिपार्चर, जब ये मेरी आया तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से 26 डिग्री पर ये इस तरह से हो जाएगा। तो सेम दोनों की दोनों क्या है मेरे रियल, वो है दोनों दोनों मेरे सिमेट्रिकल है, रियल एक्सिस क्या हुआ, तो इस तरह से मेरा इसमें रूट लोकस निकल के आएगा, तो जो ये एंगल आ जाएगा मेरा 26.57 यहाँ आ जाएगा माइनस 26.57, वो दोनों में एक में पॉजिटिव आएगा तो दूसरे में नेगेटिव आ जाएगा उतना ही, तो मेरा रूट लोकस जो बन के आएगा वो रूट लोकस बन के आएगा ये। तो मैंने एंगल ऑफ डिपार्चर निकाला। एक दूसरा तरीका और है, उस तरीके को मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं या कहाँ से, यहाँ से। इसमें मैं क्या करूँ, इस वाली स्टेप्स को मैं हटा देता हूँ, और उसमें क्या है कि मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला पुट कर देता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू सेम वैल्यूज इसको रख देता हूँ मैं, ये के जे माइनस 1 प्लस जे 3 प्लस जे 2 प्लस जे, इससे मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा 2 प्लस जे और फाई डी, जिसको मुझे कैलकुलेट करना था उसकी जगह पे मैं फाई डी लिख देता हूँ। अब मुझे पता है कि जब मैं नीचे की वैल्यू को ऊपर ले जाता हूँ तो मेरे वैल्यू क्या हो जाती है माइनस में, तो देखो माइनस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, ये क्या था मेरा, इनको सबको मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा करीब इनफाइनेट माइनस 5d, ठीक है, सॉरी प्लस 5d। तो ये सारे के सारे मैंने नेगेटिव लिख दिया क्योंकि ऊपर जाके सब मेरा हो रहा है नेगेटिव, तो इसको मैं कर सकता हूँ माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस, ये कितना है 135 प्लस 18 पॉइंट कितना था 543 प्लस 90 प्लस 5d। अब इनको जब सॉल्व करने लगता हूँ तो ये जाएगा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 135 प्लस 18.43 माइनस 90 माइनस 5d, 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, 5d को इधर ले जाता हूँ, 180 डिग्री को इधर ले जाता हूँ, तो 5d इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 135 माइनस 18.43, तो आ जाएगा 26.57। तो ये एक तरीका और है जिसमें हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरा 5d 180 माइनस 5 करना है, 5 सभी एंगल्स का समीशन करना है, इसमें मैं यहाँ से डायरेक्टली ही कर सकता हूँ, मेरे ट्रांसफर फंक्शन है जो ट्रांसफर फंक्शन में से मैंने डायरेक्टली माइनस 180 डिग्री के इक्वेट कर दिया, तो ऊपर पोल है तो पोल का एंगल माइनस
ये सारी की सारी जहाँ पे मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिया था वहाँ पे मैंने 5D ले लिया है, और उसमें सारे एंगल्स को मैं जब ऊपर ले जाऊँगा तो ये मेरे नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए मैंने सबके सामने नेगेटिव लगा दिया और सारे एंगल्स को लिख दिया, और उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरी 5D एंगल ऑफ डिपार्चर आ गया मेरा +26.57। तो हमारे पास ये दो मेथड हैं, इन दोनों मेथड में से कोई सा भी कर लो। इस वाला ये भी सिंपल है, 5D 180 डिग्री माइनस फाई किया, फाई किया मेरा समीशन ऑफ पोल्स माइनस समीशन ऑफ जीरो, और इस सारे के अंदर फिर समीशन ऑफ पोल्स निकाल दिए। ये तो मुझे सारी स्टेप्स फॉलो करनी है, समीशन ऑफ पोल्स इसका एंगल प्लस इसका एंगल प्लस इसका एंगल, इसका एंगल क्या है, इमेजनरी अपॉन रियल, इमेजनरी अपॉन रियल, इमेजनरी अपॉन रियल। अगर मेरा डायरेक्ट दे तो मैं डायरेक्ट 90 लिख सकता हूँ अगर मैं पहले से कैलकुलेट कर रखा है तो, और ये टेन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इन सब का समीशन किया, माइनस इस जीरो का माइनस जीरो कर दिया एंगल ऑफ जीरो, और उस फाई को 180 डिग्री में से माइनस कर दिया। तो ये दोनों स्टेप से मैंने कर दिया है इजिली, तो इससे हम एंगल ऑफ डिपार्चर सेम एंगल ऑफ अराइवल भी हमारा सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, बस उसमें हम वैल्यू क्या करेंगे, उस जीरो को हटा देंगे, उस जीरो की जगह पे हम उस दूसरे वाले जीरो वैल्यू पुट कर देंगे, सेम तरीके से सॉल्व होगा। बस फर्क क्या होगा, इसमें 180 डिग्री प्लस माइनस फाई होता है, उसमें 180 डिग्री प्लस फाई हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी का सारा सिस्टम सेम तो देगा, पैटर्न भी सेम होगा। थैंक यू।